नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी, आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबर आजम ने अचानक क्रिकेट से किया संन्यास का ऐलान, ट्वीट कर फैंस को चौंकाया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित, गिल सिराज समेत 6 खिलाड़ियों को गंभीर ने निकाला। दुरुस्त खबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब अतीत, इस जगह पर बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। स्ट्रीट 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 19वें दिन की कमाई ने बढ़ाई मेकर्स की चिंता, श्रद्धा राजकुमार की फिल्म ने दर्ज की भारी गिरावट। भारत को भी हम इसी पाकिस्तान पर, सीरीज जीत सिर चढ़कर बोला बांग्लादेशी कप्तान पर घमंड, टीम इंडिया को इन शब्दों में दी धमकी। घर के भेदी ने ही ढा दी लंका, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी की मदद से बांग्लादेश ने पाक की ओर 2-0 से हराया सीरीज, रचा नया इतिहास। 3 बल्लेबाज जिन्होंने महाराजा T20 ट्रॉफी में मचाया धमाल, IPL मेगा ऑक्शन में हो सकते हैं मालामाल। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 सदस्य टीम घोषित, राहुल अय्यर को अंतिम मौका, अभिषेक ऋतुराज की वापसी। तीसरे वीकेंड खेल में की कमाई में आया उछाल, लेकिन नहीं चमकी वेदा की किस्मत, जाने कितनी है 18 दिनों की कमाई। बांग्लादेश से बढ़ रहे तनाव को लेकर भारत सरकार का बड़ा फैसला, पड़ोसी देश में डीजल पहुंचाने के लिए बिछाए जा रहे हैं मैत्री पाइपलाइन के विस्तार पर रोक। 22 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 19 मिनट में पूरी, ₹70 में सफर कर रहे केंद्रीय मंत्री की दिल्ली मेट्रो की तारीफ। जडेजा दुबे को CSK ने किया रिलीज, इन 19 खिलाड़ियों को भी टीम से निकाला। मणिपुर, इम्फाल जिले में 2 ड्रोन अटैक, 2 मौत, फूकी बोले 3 दिन में गांव खाली करे नते वरना खदेड़ के मारे। WTC फाइनल 2025 कमर कसले, रोहित एंड कंपनी आ गई 2025 के सबसे बड़े मैच की डेट, इस दिन होगा मुकाबला। प्राइवेट स्कूलों से भी काफी आगे है बिहार का यह सरकारी स्कूल, हेडमास्टर को सम्मानित करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 5 बूढ़े खिलाड़ियों की वापसी, KL राहुल कप्तान, पंत उप कप्तान, 19 सितंबर से शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया घोषित। तलाक की खबरों के बीच जलसा पहुंची ऐश्वर्या राय, बच्चन स्कूल ड्रेस में नजर आई आराध्या। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ, देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।